क्या आप भी रहते हैं अपने स्किन और बालों को लेकर परेशान? तो आज ही आइए SMS फार्मेसी और मिलिए डॉक्टर बी के शास्त्री, जिनसे मिलेगा आपको त्वचा और बालों से जुड़ी हर समस्या का समाधान। तिल, मस्से एवं गुप्त रोगों का विशेष इलाज किया जाता है। हमारा पता है कॉन्वेंट चौराहे के बगल में अटल सामुदायिक भवन के सामने, बिलोजी बैरन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 7000529189009396655। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के बीच आज ग्वालियर जिले के डबरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोले अजय सिंह, गद्दारी की पारिवारिक परंपरा के चलते सिंधिया सरकार गिराने का मोहरा बने। शिवराज सिंह को लगा कि कमलनाथ कुछ दिन और रह गए तो हमारा नंबर नहीं लगेगा, 3 तारीख को जनता इमरती की जलेबी बनाएगी। अजय सिंह, राहुल भैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। आदरणीय अशोक सिंह जी, आदरणीय बहन विजय लक्ष्मी साधु जी, पूर्व मंत्री श्री यादव जी, पूर्व सांसद बाबूजी, आदरणीय विधायक बहन हीना कांवरे जी, यहां पर उपस्थित सांसद भाई राजमणि पटेल जी, मंच में विराजमान इस डबरा की सभा में सभी सम्मानित वरिष्ठजन, माताएं बहन, बुजुर्ग, हमारे प्रिय नवयुवक साथीगण और पुराना समधी और नया दूल्हा भाई राजे जी, मैं आदरणीय कमलनाथ जी के साथ निरंतर 8-10 जगह विधानसभाओं में पहुंचा हूं, लेकिन जो जोश डबरा में दिखाई दे रहा है वो मुझे किसी और विधानसभा में नहीं दिखाई दिया। लेकिन कभी कभी होता है कि जोश में होश खो जाता है, तो आपका जोश बना रहे और 3 तारीख को इमरती को जलेबी बना दिया जाए, ये हम संकल्प लेते हैं। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि एक साधारण भाई राजे जी को चाहिए रुक जाओ यार, यदि ये व्यक्ति सरल स्वभाव के, यदि इनको चाहिए कि वो व्यक्ति को चाहिए जिनके पहरे में खड़ा है मोहन सिंह नाम, मुझे मालूम है कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से किसी ने कहा कि मेरा कोई काम है, तो वो सीधा, उनका सीधा जवाब हुआ करता था कि मोहन सिंह जी से हिसाब किताब कर लो। वो इमरती देवी जब मैं नेता प्रतिपक्ष था 2018 में, जो हमसे कहती थी कि मुझे 5 मिनट विधानसभा में बोलने दिया जाए, लाखन बोलने दिया जाए,
वो वही मंत्री जब बन गई का सही है गलत का सही है गलत यदि सही है हाथ उठा के बता दो तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप वोट दोगे जो प्रजातंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ अरे कमलनाथ जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि मध्य प्रदेश का युवा जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले उसको बंबई गुजरात में भटकना न पड़े यहां के किसानों का कर्जा माफ हो और यहां के किसानों को लाभ का धंधा दिया जाए उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि माफिया खोरों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। हमारे चारों ब्लॉक का अध्यक्ष मणिमाला से स्वागत कर रहे हैं। यदि मैं बोल रहा हूं तो बीच में कौन बोल रहे भाई? कमलनाथ जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश का एक नया स्वरूप बनाना चाहते थे। मैं कमलनाथ जी को 1977 से जानता हूं। छात्र राजनीति में मैं दिल्ली में पढ़ा। 76 में कॉलेज से निकला और संजय गांधी जी के टीम में मैं भी जुड़ा। कमलनाथ जी उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र माने जाते थे। मैं उस समय से इनको जानता हूं। मेरे पिताजी 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कमलनाथ जी ने उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर राजनीति की। ये पहला मौका था कमलनाथ जी को कि प्रदेश की तस्वीर बदलने की, लेकिन तस्वीर क्यों नहीं बदल पाए? तस्वीर इसलिए नहीं बदल पाए कि सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा दूसरी थी। जिसका जो परिवार होता है उसका स्वरूप कभी न कभी निकल आता है और सिंधिया जी ने वही दिखाया जो पहले से इतिहास में चला आ रहा है। मुझे तो हंसी आ रही थी। 2-3 दिन पहले भोपाल के अखबार में एक फोटो छपी थी। 2-3 दिन पहले भोपाल में एक अखबार में फोटो छपी थी कि जलेबी देवी किसी मंत्री जी को नतमस्तक करते। अब किसको नतमस्तक किया ये आप जानो, पड़ोसी क्षेत्र का विधायक है। जो पड़ोसी मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, मैं सत्तर की दशक में भी डबरा में आना जाना था जब यहां की शक्कर कारखाना फैक्ट्री अच्छी चलती थी, लेकिन किसके वजह से वो शुगर फैक्ट्री बंद हुई ये आप लोग अच्छी तरह से मालूम है। किसने उस जमीन को कब्जा किया ये आपको मालूम है। अच्छा खासा श्रीवास्तव जी की ग्वालियर शुगर फैक्ट्री डबरा में चलती थी, आज बंद है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि 3 तारीख को न जात पे न पात पे कमलनाथ जी की बात पे भैया मोहर लगेगी हाथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हैं ब्रांड के शौकीन तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जींस, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड।
नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टेक्ट नंबर 6262370045। क्या आपने सोचा है कि आपके छोटे से निवेश से आपका बड़ा सपना साकार हो सकता है? क्योंकि मायूबे लेकर आया पूर्ण विकसित चंदन फॉर्म केतु की देखरेख के साथ। मायूबे प्रेजेंट्स गायत्री विशाल चंदन फॉर्म इन योर सिटी। 1999 में 1 किलो चंदन की कीमत 175 थी, लेकिन अब 30,000 से भी ज्यादा है। इसलिए मायूबे चंदन फॉर्म लैंड खरीदे और अपने निवेश को करे 12 वर्षों में 12 गुना तक। तब है ना फायदे का सौदा। और इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट 3rd फ्लोर अपोजिट ऑफ तिवारी पेट्रोल पंप, नवा नगर रोड, वैडन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मायूबे, स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।